रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मानसून की पहली बारिश से मुंबई हुआ तरबतर, दिल्ली में भी आसार, प्रशासन हुआ सतर्क, महाराष्ट्र। गर्मी के मौसम में पहली बारिश रेन की बात सुनते ही लोगों के मन में ठंडक महसूस होने लगती है, फिर चाहे वह बारिश देश के किसी भी कोने में हो रही हो, जानने के लिए उत्सुकता बढ़ जाती है। देश के दक्षिणी राज्यों में प्री मानसून के आने से महाराष्ट्र में भी इस मानसून ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र की मायांगरी मुंबई में जमकर बारिश रेन मुंबई हुई है। पूरा मुंबई शहर तरबतर हो गया है, चारों ओर मौसम का मिजाज बदल गया है। बुधवार गुरुवार यानी 7 से 8 जून 2018 की शाम को प्री मानसून के आने से पूरे मुंबई शहर में जमकर बारिश मुंबई रेन हुई है, जिससे मुंबई के कई एरिया में जलभराव की स्थिति बन गई है। गुरुवार शाम को लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हवाई एवं रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हिंद माता में लोकल ट्रेन के साथ ही बस सेवा भी प्रभावित हुई है, ट्रेनें करीब 20 से 25 मिनट देरी से चल रही है। लो विजिबिलिटी के कारण लंदन से मुंबई आ रही फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। इस तरह पहली बारिश से जनजीवन प्रभावित होने से प्रशासन पहले ही सतर्क हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मानसून गोवा पहुंच चुका है। कोंकण और गोवा के ऊपर चक्रवात बनता दिख रहा है, जो महाराष्ट्र के तटों पर भी पहुंचेगा। इसके अलावा यह चक्रवात तटीय कर्नाटक, केरल के तटीय इलाकों में भी बारिश कर सकता है। 2 से 3 दिनों के अंदर ही इस चक्रवात के कारण महाराष्ट्र के सूरत एवं वलसाड़ में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के भी कई भागों में शुक्रवार और शनिवार को बारिश होने की संभावना बताई है। इस तरह महाराष्ट्र के करीब 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मुंबई में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में लिखा है कि जोरदार बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस दौरान जितना अधिक हो सके बाहर ना निकलें और मुंबई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र से अपडेट भी लेते रहें। बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC ने अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। कोलाबा, वर्ली, घटकोम्पर आदि इलाकों में नौसेना तैनात की गई है। इस तरह 11 जून तक बारिश के बढ़ने के आसार को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। महाराष्ट्र के साथ ही यह मानसून दिल्ली की ओर भी रुख कर सकता है, साथ ही दिल्ली NCR में तेज आंधी की संभावना भी बताई जा रही है। आसमान में बादल और सुबह से ही हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार कुरुक्षेत्र, करनाल, मेरठ, पानीपत आदि जगहों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। पिछले साल मौसम विभाग ने 29 अगस्त और 19 सितंबर को इस तरह से ही चेतावनी दी थी। उसके बाद मुंबई में 24 घंटे के अंदर 300 mm बारिश हुई थी।